तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। मैं राहुल मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। एक बड़ी न्यूज के साथ मैं आप सभी के बीच आया हूं। वो न्यूज आई है झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन यानी कि JDLCCE की तरफ से। गाइज, जैसा कि आप सभी को पता है कि झारखंड जो जेई का एग्जाम है, JEE जेई का एग्जाम, वो 2 सितंबर को शेड्यूल्ड है। और अभी तक बच्चे बहुत सारे मैसेज कर रहे थे कि सर एडमिट कार्ड नहीं आया, हम कैसे अपना रिजर्वेशन कराएं, कैसे पता चलेगा कहां पे सेंटर है। तो बेटा, ये सब परेशानियां आपकी सॉल्व हो गई हैं और फाइनली JEE जेई ने अपना एडमिट कार्ड कर दिया है रिलीज। तो आपको देखना कैसे, देखिए आप सबसे पहले जाएंगे JEE जेई की वेबसाइट पर, यानी कि JEE.NIC.IN पर आप जाएंगे। यहां पर वेबसाइट खुलेगी और एडमिट कार्ड का सेक्शन आएगा। एडमिट कार्ड के सेक्शन बेटा आप जाएंगे यहां पर और एडमिट कार्ड आपको मिलेगा, देखिए JDLCCE झारखंड डिप्लोमा लेवल कंबाइंड कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन 2023 का एडमिट कार्ड आपको यहां पर मिल जाएगा। तो यहां पर डिटेल में आप जाएंगे, देखिए तो आप यहां पे ओके करेंगे, ये पूरा पेज आपको खुल जाएगा। यहां पे आपको यूजर आईडी डालना है, पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है और लॉगिन करना है, ठीक है। तो ये करके आप अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा और आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। देखिए स्टेट लेवल के एग्जाम थोड़े से अनसर्टेन अनइवन होते हैं कि आप 4 दिन पहले ही एडमिट कार्ड आया है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। एडमिट कार्ड कम से कम 10 से 12 दिन पहले आ जाता है, बट कोई नहीं, एडमिट कार्ड आ गया, यही बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप सभी लोग एग्जाम दीजिए और अच्छे से पेपर दीजिएगा। ऑल द बेस्ट गाइस, खूब बढ़िया से पेपर करिएगा, थोड़ा सा रिवीजन अच्छे से करिएगा। मेरी डेली क्लास चलती है अभी 6 से 7, झारखंड लाइक SSC वाली क्लास चलेगी 6 से 7, इसी चैनल पर आप जरूर ज्वाइन करिएगा। थैंक यू सो मच।